नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस के अजहरुद्दीन। हैदराबाद आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस तेलंगाना की महत्वपूर्ण सीट हैदराबाद से एआईएमआईएम प्रमुख अजहरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को उतार सकती है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इस सीट के लिए प्रदेश कांग्रेस की पहली पसंद है, साथ ही हैदराबाद अजहरुद्दीन का होम टाउन भी है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस ने तेलंगाना में सभी 17 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का चयन कर लिया है। क्रिकेटर से नेता बने अजहरुद्दीन को राज्य में 7 दिसंबर 2018 को हुए विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया था। वह इसी शहर के निवासी भी है। शुरुआती खबरों में कहा गया था कि वह मई में होने वाले लोकसभा चुनाव में सिकंदराबाद से चुनाव लड़ना चाहते हैं। यह सीट अभी बीजेपी नेता बंदारू दत्तात्रेय के पास है, लेकिन अब यह संभावना नजर नहीं आती कि उन्हें अजहरुद्दीन को वहां से लड़ने की मंजूरी मिलेगी। बहरहाल अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या अजहरुद्दीन हैदराबाद सीट से लड़ना चाहते हैं या नहीं। जो एआईएमआईएम का गढ़ है और उसका प्रतिनिधित्व 3 बार से ओवैसी कर रहे हैं, यह पूछे जाने पर कि क्या अजहरुद्दीन अब भी इस दौड़ में है, पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, यदि पार्टी आलाकमान उनसे हैदराबाद से लड़ने को कहती है तो वे ऐसा करेंगे। वही सत्रुक तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि वह हैदराबाद सीट पर ओवैसी का समर्थन करेगी। गौरतलब है कि 2009 के लोकसभा चुनाव में उपरा के मुरादाबाद सीट से अजहरुद्दीन जीते थे, लेकिन 2014 में वह राजस्थान के टोंक माधोपुर सीट से हार गए थे।